हिमाचल के सबसे बड़े हवाई अड्डे के विस्तार के मुद्दे पर कांगड़ा भी दिल्ली के शाहीन बाग में तब्दील होता नजर आ रहा है। यहाँ क्या औरतें, क्या बच्चे, युवा, नौजवान और क्या बुजुर्ग सब विस्थापन के डर से कांगड़ा एयरपोर्ट की खिलाफत में एकजुट हो चुके हैं। बाकायदा इसके लिए घंटों सड़कें जाम की जा रही हैं। कई मरतबा पठानकोट कांगड़ा मंडी हाईवे को जाम किया जा चुका है। भूख हड़तालें भी हो चुकी हैं। कांगड़ा के विधायक पवन काजल खुद इन प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर चुके हैं और सरकार से एयरपोर्ट के विस्तार पर स्थिति साफ करने की मांग कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब की बार एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों ने सरकार के खिलाफ लंबा और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी तक दे रखी है, जिसमें अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उसे भी सरकार के माथे मरने की तैयारियां की जा चुकी हैं। दरअसल सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट की कई तौर तरीकों से विस्तृत करना चाहती है। फिलहाल इसकी लंबाई 1450 के करीब है, जबकि अब इसे 3110 मीटर लंबा करने का फैसला किया गया है। क्योंकि प्रदेश भर में एकमात्र कांगड़ा ही एक ऐसी जगह है जहां एयरपोर्ट के विस्तार की संभावनाएं प्रबल हैं। इसके साथ ही कांगड़ा की सीमा पंजाब के पठानकोट एयरवेज और जम्मू एयरवेज से बेहद ही नजदीक है। सुरक्षा के लिहाज से केंद्र का सुरक्षा मंत्रालय भी इस एयरपोर्ट को हर नजर से अपने लिए सुरक्षित मानता है और इसका विस्तार करवाना चाहता है। इन लोगों की माने तो पौंग डैम के दौरान भी उनका विस्थापन हुआ, फिर एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान फिर दूसरी बार विस्थापित हुए, अब तीसरी बार उन्हें यहां से निकालने की योजना बरकरार है, जो अब वो अपने विस्थापन की सही जगह सुनिश्चित न हो जाने पर बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। बाकायदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर उन्होंने इस बाबत अपनी मनसा भी जाहिर कर दी है। फिलहाल इस मुद्दे पर अब कांगड़ा की दोनों पार्टियों की लीडरशिप जहां लोगों को समर्थन करके अपने वोट बैंक मजबूत कर रही है, वहीं इस एयरपोर्ट के विस्तार का लाभ समझने वाले नेता इसे हर संभव प्रयास कर बनाना चाहते हैं। केसीसी बैंक के 100 वर्ष पूरे होने पर जून माह के दूसरे सप्ताह में धर्मशाला राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करेगा, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम द्वारा बैंक के इतिहास को दर्शाती कॉफी टेबल बुक को लॉन्च करवाया जाएगा। वहीं बैंक द्वारा 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बैंक के इतिहास को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करवा रहा है। ये निर्णय केसीसी बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैंक चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। बैंक चेयरमैन ने बताया कि बैंक के 100 वर्ष पूरे होने पर कई इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ हजार रुपए से शुरू हुआ केसीसी बैंक वर्तमान में 18,000 करोड़ का बैंक बन चुका है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बैंक के लिए बेहतर कार्य करने वाले सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। बैंक चेयरमैन ने कहा कि 100 वर्ष में बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए भी विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत बैंक अपने उपभोक्ताओं, हाउस, वाहन व अन्य प्रकार के ऋण में विशेष छूट देगा। इसके अतिरिक्त इस दौरान इंटर बैंकिंग इवेंट्स करवाने का भी बैंक प्रबंधन ने निर्णय लिया है। परवाणु से सोलन तक फोरलाइन निर्माण कार्य चल रहा है। फोरलाइन निर्माण के लिए पहाड़ों को बेहद सीधा काटा गया है, जिसकी वजह से अब पहाड़ बरबरा कर गिर रहे हैं और फोरलाइन निर्माण में जुटी कंपनी लगातार इस वजह से दिए गए समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही है। फोरलाइन निर्माण में जुटी कंपनी को कई बार अब समय अवधि बढ़ाने का मौका दिया गया है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने उन्हें 31 मार्च तक का समय इस मार्ग को पूरा करने के लिए दिया है, जिसके चलते फोरलाइन का कार्य दिन रात युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अभी तक इस निर्माण में कुम्हार हट्टी के समीप बन रहे पुल में भी अभी 4 से 5 महीने लग सकते हैं और इसके अलावा 2 से 3 फ्लाईओवर और बनने हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वर्ष के अंत तक ही इस फोरलेन का निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। वहीं कुम्हार हट्टी के समीप बन रहे फ्लाईओवर के प्रभारी अजय चौहान ने बताया कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लाईओवर 31 मार्च तक पूरा हो जाए, जिसके लिए वे दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके निर्माण कार्य में सबसे बड़ी बाधा यहाँ का यातायात है, जिसे वे थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते
उन्हें सड़क से गुजरती गाड़ियों के ऊपर ही कार्य करना पड़ रहा है। यही वजह है कि इस कारण में देरी हो रही है। कुम्हारहट्टी के लोगों ने बताया कि फ्लाई ओवर का काम अब बेहद तेजी से चल रहा है, लेकिन ये काम काफी पहले खत्म हो जाना चाहिए था। निर्माण कार्य में देरी की वजह से उनकी दुकानों और घरों में बेहद धूल आ रही है और उनका सामान भी खराब हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को पूरा करना चाहिए।